उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। के लोगों को खाद्यान्न सामग्री वितरण की गई है और उद्योग धंधे जो वो एक व्यवसाय है, जो उनका कारोबार है, वो सब बंद था। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी को जो है भूखा नहीं सोने दिया और सबको जो है राशन वितरण किया। और आज भी उन्होंने जो है यहाँ पे 200 लोगों को कंबल वितरण किया है, लोगों के लिए खाना बन रहा है। और अब जो आने वाला टाइम है, जो लोग जिनके पास सर ढकाने के लिए मकान नहीं है, क्योंकि इंसान को तीन चीज की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो रोटी भी उपलब्ध करा रहे हैं और कपड़े भी उपलब्ध। और अब वो रहने के लिए जो है लोगों के लिए वृद्ध आश्रम भी उनका तैयार है, जो लोग असहाय लोग हैं और जो लोग ऐसे उनको वहाँ पे जो है बराबर पूरा वेतन दिया। पटवाला आज वॉइस मोड में मेरे यहाँ पे जब पहुँचा थे भीमेंद्र सिंह चौहान जी, जो कि एक बहुत समाज सेवी भी हैं, आज गरीबों को कंबल और जैकेट भी वितरित किए गए और भोजन की व्यवस्था भी की गई। तो सुंदरलाल चौहान जी से मैं पता करना चाहता हूँ कि आप लगभग गरीबों की मदद तो आप करते आए हैं, तो कितने साल से ये कंबल वितरित कर रहे हैं? 2006 से कंबल नहीं दिख रही इधर, और जितने भी लोग हमारे वर्कर रहे उनकी कंबल चाहिए कंबल मिलते, जिनको कपड़े चाहिए कपड़े मिलते, पहने कपड़े मिलते। इसके अलावा क्षेत्रीय और नए लोग जो आते हैं आप एक बहुत अच्छा वृद्धों के लिए आप कब से आश्रम खोल रहे हैं, मतलब इसमें किन लोगों को लिया जाता है? वृद्ध आश्रम जो है फरवरी से खुलेगा और इसमें जो है कि समर्थवान भी आएगा और असमर्थवान भी आएगा। जो समर्थवान होगा वो रेंट देंगे, जो असमर्थ लोग होंगे उनको निःशुल्क देखा जाएगा। और धन्यवाद, ये थे मेरे साथ सुंदर सिंह चौहान जी, जो कि मलित में बहुत ही एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो हम वॉइस ऑफ माउंटेन की टीम की तरफ से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। जैकेट वो अपने यहाँ पे श्री सुंदर सिंह चौहान जी के द्वारा ले ले। द्वारा वितरित की जा रही है। जैसे कि आपको विगत वर्षों से अवगत है कि वो इस जाड़े के महात्वर सिंह अमित डबल एक्सएल केदार डबल एक्सएल शेर सिंह 98-95 शेर सिंह एक्सएल एल चला आ रहा हूं। भजन सिंह लिवल एक्सएल राकेश कुमार संदीप मनोज कुमार एक्सएल एक्सएल संजय कुमार राजू एक्सएल गुलफाम डबल एक्सएल पुराना एल साइज अजय पवार ट्रिपल एक्सएल चरण सिंह चंद्र चौहान जी, जो चौहान जी काम करना चाहिए वो उनके फोन दो। हाँ, जो काम करना चाहिए हम उतें बहुत बहुत बधाई दूँ और धन्यवाद दूँ वहाँ। और इन्हें हम लोग थे एक उनके नक्षत्र एक सीख लेने चाहिए कि हरेक आदम थे अपने क्षेत्र में अपने गांव में अपने इलाके में हरेक थे अच्छा काम सामाजिक काम करना चाहिए। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता छूँ
और मेरा नाम भगवान सिंह है। बचपन से हमारे ये दुनिया में ये समाज में हमेशा ये रहने की हरेक दान दवा हरेक मदद करा सेवा करा कैक दिल दुखाओना कैक दिल दुखाओना कै थे लूटाना ठगाना के लिए कि रिकॉर्ड परमात्मा का पास और लेख जोखा परमात्मा का पास हमारे कर्मों को भोग हमते मिलन पड़ता जो कर्म कर दो हम हमारे कर्मों को भोग हम खुद पनावा और वो एक जो कोई भी वो नीचे परमात्मा हमते हमेशा अच्छे नशे देने के लिए। बात करते हैं चौहान जी से। चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कंबल वितरण करें कत लोगों का वितरण करें। धन्यवाद जी आपका। आज के जो सर्दी का मौसम आ रहा है सर्दी की वजह से सभी लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं और ये लोग जो है रात दिन करके हमारे लोग के लिए काम करते हैं और हम बड़ी बड़ी रजाई के अंदर भी हमें ठंड लगती रही नदी नालों में सड़कों में जो केसर में सोते हैं ठंड के मारे इसलिए हमें जिनको जॉकेट की जरूरत है उनको जॉकेट दे जिनको कम्बल दे उनको कम्बल दे। चौहान जी कम्बल जो कम्बल आप वितरण कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं। कम्बल तो 2006 से वितरण देते आ रहे हैं पहले 50 दे तब 100 दे 150 दे अब 200 का बढ़ गए लोग बढ़ गए उनको 200 लोगों को दी जा रही है। इंसान की तीन चीज की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान। कपड़े भी आप वितरण कर रहे हो आपके जो जो भी भूखा आदमी आता है वो आपके यहाँ पे कभी भी आ जाता है उसको आपके यहाँ पे खाना मिलता है। अब जो है वृद्ध आश्रम की भी आप तैयारी है ये पहला एक उदाहरण है इस क्षेत्र में कि लोगों को अब रहने के लिए भी जगह मिलेगी। ये वृद्धाश्रम कब तक होगा इसका तैयार हो फरवरी तक तैयार हो जाएगा। हमारे साथ हैं उनके सहयोगी पुष्पेंद्र राणा जी एक समाज सेवी है और वो हमेशा चौहान जी के साथ सहयोग करते हैं। उनसे भी जानते हैं कि चौहान जी का ये जो ये जो गरीबों के लिए जो वो काम कर रहे हैं लगातार कपड़े भी वितरण के राणा जी ने खुद कोरोना दौरान जो है गांव जो गांव जाके चौहान जी के स्वास्थ्य खराब था उनके प्रतिनिधि के तौर पे खाद्यान्न सामग्री वितरण की है। तो चौहान जी के इस सराहनीय कार्य के लिए उनसे जानते हैं कि चौहान जी का जो कार्य है गरीबों के लिए उसके लिए वो क्या कहेंगे। राणा जी आपका स्वागत है। आपने जैसे कोरोना के दौरान चौहान जी के प्रतिनिधि के तौर पर गाँव गाँव जाकर राशन वितरण किया था और जब भी चौहान जी कम्बल आदि वितरण करते हैं तो आप उसमें पूरा सहयोग करते हैं आपकी भूमिका रहती है। आज चौहान जी ने कितने लोगों को कंबल बांटा है और अब की बार चौहान जी ने जैकेट भी वितरण किए हैं तो आप क्या कहेंगे चौहान जी के इस कार्य के बारे में। देखिए ये चौहान जी का बड़प्पन है और हर समय असहाय गरीब महिला वृद्ध जो भी उनके सानिध्य में आता है लगातार हर वर्ष मुझे जहाँ तक ज्ञान है 2006 से लगातार वो कम्बल वितरण करते हैं और इस बार उन्होंने जैकेट भी वितरण किए हैं और 200 लोगों को यहाँ पर कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया है और उनके भोजन की भी सब व्यवस्था की गई है। आज के दिन और इस कोरोना काल की महामारी में भी इस पूरी न्याय पंचायत से लेकर आसपास के 10 ग्राम सभाओं में यहाँ तक कि जिले से बाहर भी हजार लोगों तक मेरा जाना हुआ तो बहुत सारा एक अच्छा कार्य चौहान जी के द्वारा किया जाता है। हम तो एक माध्यम है हमको जब भी चौहान जी किसी कार्य को सौंपते हैं तो हम अपने एक जिम्मेदार होने के नाते उसमें सहभागिता करते हैं और भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि उनको दीर्घ आयु हो लंबी उम्र हो जिससे कि क्षेत्र के लोगों का हमेशा भला होता रहे। नमस्कार मैं तनुजा रावत पहाड़ों की आवाज में अपने सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ और वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ मलेठी सैंड सतपुली से जय उत्तराखंड। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना घंटी बजाना ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।